सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, दिस इज रोहित थरार। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं, आज हम कंपैरिजन करेंगे केजे सोमैया कॉलेज का और विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो ये दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज का आज हम कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। और ये आपका डिपेंड होगा आपके, हम लोग इसमें किस तीन चार बेस पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला है आपका प्लेसमेंट के ऊपर, दूसरा है आपका फैसिलिटीज़ के ऊपर, और तीसरा है कि वहाँ पे आपकी कंपनियाँ वगैरह कैसी होती हैं और कैसे आती है, बाकी सब अदर चीज़ें जो अदर चीज़ें और भी हैं सब हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, फटाफट हम देखने वाले हैं कंपैरिजन, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स प्ले द इंट्रो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने बोर्ड पे यहाँ पे लिख रखा है, आई डोंट नो वीडियो कैसा आ रहा है, बट ठीक आ रहा है, लाइट वगैरह की कमी है काफी। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हो आप केजे सोमैया वर्सेस हम लोग ने विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के बारे में जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल रखे। तो पहली बात है कि ये कॉलेज आपका, जो आपका केजे सोमैया कॉलेज है, वो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, कभी इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, और ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट में कि 83 और 84, ये दोनों में आपका बस एक साल का ऊपर नीचे का गैप है, ठीक है। तो सेम टाइम पे दोनों कॉलेज हो गए हैं, बस इस्टेब्लिश हुए एक साल ऊपर नीचे। अब हम यहाँ बात करेंगे इनका जो ये रैंकिंग है, रैंकिंग जो यहाँ पे एजुकेशनल वर्ल्ड मैगजीन करके एक मैगजीन है, तो उसमें इनको रैंक दिया है, केजे सोमैया को रैंक दिया है रैंक वन। कौन सा रैंक दिया है? रैंक वन दिया है। और इसको आपका विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रैंक दिया गया है थर्ड रैंक, ठीक है। तो ये रैंक आपका आई थिंक ओवरऑल इंडिया पे प्राइवेट कॉलेजेस पे दिया गया है, तो केजे सोमैया को काफ़ी अच्छा रैंक दिया गया है क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है इसलिए। और यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं, केजे सोमैया में मोड ऑफ एडमिशन कैसे होता है, तो मोड ऑफ एडमिशन आपका जेई मेन्स के थ्रू, एमएसटी सीईटी के थ्रू हो जाता है। इवन यहाँ पे पैरा सीईटी वगैरह भी समथिंग कुछ होता है, इसके थ्रू भी यहाँ पे केजे सोमैया में आपका एडमिशन होता है, उसके अगर आपने अच्छा स्कोर कर रखे। अगर हम विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे भी जेई मेन्स और आपका एमएसटी सीईटी के थ्रू एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपका किसमें भी स्कोर है आपने कर लेना है। अभी आते हैं कंपैरिजन के फीस का कंपैरिजन। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि फीस जो है आपका 3,45,000 पर ईयर है, 3,45,000 उनके बहुत से, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे इनके फीस काफ़ी ज़्यादा ये लोग चार्ज करते हैं साल का, तो फीस केजे सोमैया का ज़्यादा है। अगर वही बात करें विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की, तो यहाँ पे आपको 1,16,996 पर ईयर फीस भरना पड़ता है। ये मैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए फीस बता रहा हूँ, एसटी एससी और जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस अलग होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ केजे आपका जनरल कैटेगरी वालों का फीस बता रहा हूँ। अगर डिफरेंस देख रहे हो तो यहाँ पे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो फीस है वो काफ़ी लेस है केजे सोमैया के मुकाबले। तो फीस के मामले में आपका जो विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फीसेस वगैरह के बारे में। अगर हम इनके फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में आपका फैसिलिटीज़ आपको केजे सोमैया में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ में आपका विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में भी इनके जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया अभी फैसिलिटीज़ के बारे में, और फैसिलिटीज़ में बाकी सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे अंदर आपका जो भी होते हैं इंक्लूडेड होता है फैसिलिटीज़ में, कॉलेज फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे मेन पॉइंट जो आपका प्लेसमेंट होता है, दोनों के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें। अगर आप केजे सोमैया का प्लेसमेंट देखते हो तो 40 लाख पर एनम इनका हाईएस्ट पैकेज गया था, कितना? 40 लाख पर एनम। तो ये एक चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है, और आई डोंट नो ये किस इस साल का पैकेज गया है तो हाईएस्ट पैकेज, बट 40 लाख आई थिंक रिसेंट वाला ही है, ये 2019 या 2020 का है, बट है। और आपका अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज आपका 5.71 लाख इनका एवरेज पैकेज जाता है केजे सोमैया का। तो ये प्लेसमेंट के मामले में हम बोलेंगे कि आपका जो केजे सोमैया है वो काफ़ी अच्छा है। अभी अगर हम विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की देखें तो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 2020 और 2021 का हाईएस्ट प्लेसमेंट था आपका 14 लाख, जो 2020 के बैचेस थे लास्ट ईयर के उनका 14 लाख गया था। अगर और 5 to 6 लाख इनका एवरेज पैकेज गया है, 5 to 6 लाख इनका एवरेज पैकेज गया है,
तो ये हो गया आपके प्लेसमेंट के बारे में। अगर प्लेसमेंट का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो केजेस हो मैं उसके बेस पे काफी अच्छा है, जो इसका आरओआई है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो काफी अच्छा है। अगर हम इनकी कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी विजिट करती है कि नहीं करती है, कि कंपनी दोनों में बहुत अच्छी मतलब काफी अच्छे मात्रा में कंपनियां आती हैं, 100+ कंपनियां दोनों में विजिट करती हैं, तो अगर आप किसी अगर एक दो कंपनी में नहीं प्लेस हो रहे हो तो आप बाकी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। तो यहाँ पे हॉस्टल आपको दोनों जगह देखने को मिल जाएगा, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएगा, केजेस ओमैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे दोनों जगह पे हॉस्टल देखने को मिलेगा, और साथ में जो आपके क्लब्स वगैरह होते हैं कॉलेज में दोनों जगह पे देखने को मिलेंगे। बाकी अदर फैसिलिटीज इक्वल ही है अगर इन माय ओपिनियन हम बात करें जैसे इनके कंपैरिजन को देख के, तो केजेस ओमैया एक टाइम पे आपका बेटर कॉलेज हो सकता है बाकी सभी चीज़ों में। बस केजेस ओमैया का एक माइनस पॉइंट है कि इनका जो फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इनका फीस, तो फीस के वजह से इनका माइनस पॉइंट है। बाकी सब के आपका विवेकानंद में भी सब सही है, एकदम इक्वल टू है, सब सेम ही सेम है, बस फीस इनका कम है, तो फीस के मामले में ही थोड़ा वो कॉन्स हो जाते हैं। बाकी सब अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो केजेस ओमैया ही काफ़ी अच्छा है, विवेकानंद से आपका केजेस ओमैया जो कॉलेज है तो अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे तो केजेस ओमैया मैं बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा केजेस ओमैया के लिए जाओ। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन आपके केजेस ओमैया और विवेकानंद कॉलेज के बारे में। ऐसे अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ दादा भैया जो भी आप बोलना है वो बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि किसके ऊपर नेक्स्ट कौन सा वर्सेस वीडियो है। मैं सोच रहा था थड़ोमल वर्सेस डीजे सांगवी कॉलेज के बारे में बताने को, सीओईपी वर्सेस विजय टीआई कॉलेज के बारे में बताने, बहुत सारे इन फ्यूचर वीडियोस आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।